जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा आशीर्वाद भी है कि हनुमान जी की कृपा आप पे बरसे, प्रभु श्री राम आप लोगों का सदा कल्याण करें। दोस्तों, आज का मेन सब्जेक्ट है वीडियो का कि विवाह किस राशि का किस राशि के साथ किया जाए कि ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि तलाक के केसेज कोर्ट कचहरी के केसेज ज़्यादा आ रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट ज़्यादा रहती है और कई लोगों की बड़ी टफ लाइफ है, आपस में उनके डिस्प्यूट बहुत होते हैं। तो कुछ प्रिकॉशनरी क्या स्टेप लिया जाए कि थोड़ा उसमें कमी आ जाए। वैसे तो कहा गया कि जोड़ी तो ऊपर भगवान के तरफ से ही लिख के आती है और अपना अपना भाग्य होता है, अपना अपना कर्म होता है, और गार्जियन किसकी शादी कहाँ कराते हैं और आप जो जातक है वो अपनी मर्जी से क्या चलाता है या लड़की या लड़का कैसे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए कॉमन बातें मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो अपना असेसमेंट किया है या जो चीज़ें हमने देखी है या जो चीज़ें पाई गई है ज्योतिष में, कि अगर मेष राशि की शादी वृष राशि के साथ, वृश्चिक राशि के साथ, मिथुन राशि के साथ या मीन राशि के साथ की जाए तो शादी अच्छी होती है लगभग। वैसे तो कई लोगों के प्रीत विमर्दन दोष है, प्रीत विच्छेदन दोष है, कालसर्प दोष है, गुरु चंडाल दोष है, अंगारक दोष है, इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। अपना अपना भाग्य है, अपने अपने लगन के ग्रहों का फर्क पड़ता है, राशि के ग्रहों का कुप्रभाव भी पड़ता है, लेकिन एवरेज ये देखा गया है कि मेष राशि की शादी अगर वृष से, वृश्चिक से, मीन से और मिथुन से हो जाए किसी एक से तो अच्छा निभती है। दूसरा, वृष राशि के जो जातक है उनका मेष से, मिथुन से और मीन से शादी हो तो ज्यादा निभती है, माने बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाता है एवरेज। मिथुन राशि वालों का क्या देखा गया है कि वृष राशि के साथ और मेष राशि के साथ और तुला राशि के साथ एडजस्टमेंट अच्छी देखी गई है, कि वो एडजस्टमेंट इनकी अच्छी होती है, इसमें हो तो ज्यादा अच्छा। कर्क राशि वाले का क्या देखा गया है कि उनकी शादी मेष राशि, वृष राशि और वृश्चिक राशि वाले के साथ अच्छी निभा रही है। सिंह राशि वालों का मिथुन, सिंह और तुला के साथ विवाह की एडजस्टमेंट अच्छी होती है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनके साथ है मिथुन राशि, कर्क राशि, खुद कन्या राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि और मीन राशि के साथ अच्छे निर्वाह होती है। वैसे तो कन्या राशि वालों में बहस करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, कुछ ऐसे ग्रह की चाल गति वेग का प्रभाव पड़ता है। तुला राशि वाले लोग तो नाप तोल के बात करते हैं, लेकिन उनके विषय में ये देखा गया है कि मेष, सिंह और धनु के साथ इनकी अच्छी एडजस्टमेंट होती है विवाह की। अगर इनका विवाह इस राशि में हो तो सुखमय जिंदगी गुजारने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि वालों जातक का क्या देखा गया है कि वृष के साथ, कन्या के साथ या कुंभ के साथ अच्छा निर्वाह होता है। धनु राशि के जातक का मिथुन के साथ, तुला के साथ और मीन के साथ एडजस्टमेंट ज्यादा अच्छा होता है। मकर राशि वालों का क्या देखा गया है कि ये मेष के साथ, तुला के साथ और मकर के साथ अच्छा निर्वाह होता है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनकी शादी वृष के साथ, सिंह के साथ और धनु के साथ बहुत ही अच्छा देखा गया है एवरेज। मीन राशि के जातक जो होते हैं उनकी शादी मिथुन के साथ, धनु राशि के साथ और मीन राशि के साथ अच्छा एडजस्टमेंट होता है। फिर भी जातक के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि कुंडली का मेल जरूर करा लेंगे अपने किसी नियर बाई पंडित जी से, क्योंकि कई बार कुंडली के अलावा भी कई चीजें होती हैं, उन सब चीजों का पूरा बारीकी से अध्ययन करके, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती है और इसे खिलौना नहीं बनाया जाए कि जब चाहे शादी करें, जब चाहे इसे तोड़ दे। तो एवरेज हमने अपना प्रयास किया है जो आपको बताया, और ये ज्योतिष की गणना बताती है कि इस राशि की शादी इस राशि के साथ की जाए तो निभती ज्यादा है, जिसका डिटेल मैंने बताया।
आशा ही आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीजें पसंद आएगी। कृपया आप अपना कमेंट जरूर लिखेंगे, पसंद आए लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।